नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बुधवार के दिन यानी कि कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सिवान में कार्यक्रम है और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि सिवान शहर के परिवाटिका में क्लस्टर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री सिवान पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर 2:30 बजे करीब में लैंड करेगा, जहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। DM SP के द्वारा लगातार वहाँ पहुँच कर निरीक्षण किया जा रहा है। और देखिए, हम लोग के यहाँ हर 4 लोकसभा पर एक क्लस्टर होता है और वही क्लस्टर बैठक लेने के लिए देश के आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कल सिवान आ रहे हैं। और क्लस्टर बैठक में अपेक्षित लोग ही शामिल होंगे जो क्लस्टर के सदस्य हैं, या जो आप क्लस्टर नहीं समझ रहे हैं तो एक चीज़, चुनाव प्रबंधन समिति हम लोग का दायरा होता है लगभग 40 से 50 के बीच में। मुख्यतः उन्हीं लोग के साथ वो बैठक करके अपना दिशा निर्देश देंगे। चुनाव की तैयारी माना जाए, एकदम निश्चित चुनाव की तैयारी माना जाए इसको। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे? नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं। और क्या कुछ कार्यक्रम है? कितने बजे यहाँ सिवान पहुँचेंगे और उनके साथ कौन पहुँचेंगे? यहाँ 2:25 में यहाँ पहुँचेंगे और उनके साथ यहाँ पहले से उपलब्ध रहेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, आदरणीय पूर्व मंत्री मंगल पांडे जी उनके साथ हेलीकॉप्टर से ही आ रहे हैं। यानी 4 लोकसभा के सारे प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे। तैयारियां पूरी होगी? एकदम पूर्ण तैयारी है, अंतिम रूप में चरण में हम लोग हैं और तैयारी करीब करीब अंतिम हुए। चुनाव नजदीक आ गया है तो इसकी व्यापक तैयारी, एकदम युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ने की पूरी, ये प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। और उसी के सापेक्ष आज पूरे देश में 4-4 लोकसभा के क्लस्टर बनाए गए हैं पार्टी के द्वारा, जिसमें सारण, महाराजगंज, गोपालगंज और सिवान, ये चारों पार्लियामेंट का एक क्लस्टर बैठक। और क्लस्टर में जो भी लोग मतलब इसमें अपेक्षित हैं, ऐसे एक सीमित लोगों की एक बैठक जो है माननीय देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये बैठक लिया जाएगा और उनका मार्गदर्शन इस चारों पार्लियामेंट के एक एक कार्यकर्ता जो इस बैठक में हिस्सा लेंगे उनको देंगे और वो पूरी उनकी जो मतलब दिशा निर्देश या उनका जो हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा, उस मार्गदर्शन में पार्टी को फिर चुनाव के लिए एकदम एक रणनीति बना करके उनके निर्देश के बाद फिर हम लोग काम में जुटेंगे।